छलांग का जो आज का एपिसोड था उसको देखकर मुझे कल के एपिसोड की जो आधी बात थी वो पूरी करते हुए राधिका नजर आई। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि राधिका की जो सीनियर है वो ये बोलती हैं कि अगर तुम इन जैसे लोगों की बातें सुनकर अपने आप को अफेक्ट करोगी तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, लोग हैं, लोग बोलेंगे और चीज़ें जो हैं वो चलती रहेगी क्योंकि हम लड़कियां हैं और लड़कियों के लिए चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, राधिका इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने जितने भी और फीमेल वहाँ पर जो कलीग्स थे उनके साथ घुलना मिलना शुरू किया, उनसे बात करनी शुरू की और उनके साथ एडजस्ट होना शुरू कर दिया और बहुत आसानी से एडजस्ट हो भी गई। अब एडजस्टमेंट होने के बाद जैसे क्या हुआ कि जो उसका एक कलीग था, नहीं जो मतलब बकवास कर रहा, बहुत सीधी बातें कर रहा था आदि, उसके खिलाफ सब मिलकर बोलने लगे और राधिका का साथ देने लगे। एंड जिस तरीके से उसकी यहाँ पे भेंट बजी, उसकी जो शक्ल थी देखने वाली, एंड सीरियसली यार वाह भाई भाई, मजा आ गया देखने में, तो बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने ये चीजें देखी, जिस तरीके से हमने देखा कि उसकी जो मतलब क्या कहते हैं एक एटीट्यूड था वो गिरता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है, वो देखने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑफिस में चीजें थी वो राधिका के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव, वो काफी ज्यादा उसके फेवर में होती चली जा रही थी। लेकिन अब राधिका के घर में उसके पापा खाना खा नहीं रहे थे काफी टाइम से, तो वो हाइड्रेटेड हो गए, खाना नहीं खाया तो कमजोरी भी आई, प्लस टेंशन राधिका की शादी की वजह से, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। और इसके वजह से क्या, वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनके जो सर है उस पर चोट लग जाती है। राधिका क्या करती है, ऑफिस से आते टाइम खुश होती है और खाने पीने का कुछ सामान लेकर आती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ देख कर राधिका जो है वो मतलब खुश होती है, सब खाने पीने का सामान लेकर आती है, राशन ले आती है तरीके से। और जब वो आती हो देखते हैं कि भाई जो उनके जो मेन ओनर है, या फिर ये बोलूँ कि जो उनकी जो क्या कहते हैं मेन वहाँ की जो मतलब मेन बंदे इसका फ्लैट है उसकी, और जो जैज की दोस्त है ठीक है जो पहले से इनके साथ रह रही है और जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे चल रही है बातचीत, कुछ अच्छी नहीं चल रही इन सब के साथ, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। तो ये सब देख के वो थोड़ी सी बोलती है कि यार ये क्या हो रहा है, इन सब के बीच में जो भी चीज़ उसको कैसे मतलब नॉर्मल करे। तो इनके लिए खाना वाना कुछ मतलब बढ़िया सा बनाते हैं टोस्ट टाइप का, जिसको देख के भाई उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सच बताऊँ तो ये देखने में। और जिस तरीके से चीज़ें हुई वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी, क्योंकि जिस तरीके से लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, वो देखने में भाई बड़ा मजा आया मुझे, अच्छा से बड़ा मजा आया। क्योंकि एक्चुअल में दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए सच बताऊं तो, और अगर दोस्त ऐसे नहीं होते, दोस्ती ऐसे नहीं होंगे तो मजा नहीं है। तभी क्या होता है, वो सब खा ही रहे होते, एंजॉय कर रहे, तभी राधिका के दोस्त का फोन आता है गाँव से, गया राधिका के पापा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो खाना वाला नहीं खा रहे, वो वहाँ से टेंशन हो जाती है। तो जो उनकी दोस्त है जिसके साथ उनकी थोड़ी सी अनबन हो रही थी, वो क्या करती है, वो राधिका के लिए चाय वाय बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि भाई वो सब ना मतलब एक ऐसी चीज जो कभी कुछ काम करती नहीं थी, तो ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो गए सबके सब, ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है भाई। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़ो, राधिका पे फोकस करो ठीक है। और यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा अच्छी हुई, काफी ज्यादा नॉर्मल हुई और मुझे मजा आया देखने में चीजें। अब आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के एक और चीज होती है, आगे चल के हमें ये देखने को मिलता है कि जो मतलब राधिका है वो अपने घर पे फोन करती है, उसके घर पे फोन करने पर पता चलता है कि भाई उसका भाई फोन उठा, तो बोलते हैं कि नहीं मैंने मना किया था वो मतलब बात ना करने के लिए, फालतू में तुम भी टेंशन नहीं है, वो खिलाने वगैरह, तो बातें होती है। लेकिन इन सब को सुनने के बाद जो राधिका वो ये दिमाग में सेट कर लेती है कि मुझे जाना है अब यहाँ से, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वो अपने पापा से नहीं मिली तो सही नहीं होगा, क्योंकि उसने तो पापा से फिर एक बार बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात नहीं की, सो अब उसको झांसी ही जाना पड़ेगा उनको मनाने के लिए। एंड ऑफिस में एक मतलब जितना भी पेंडिंग वर्क है उस सबको कंप्लीट करना है, उसकी ड्यूरेशन भी आ गई, ड्यू डेट भी आ गई, तो उसके लिए भी अब पता नहीं क्या होगा ऑफिस में, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार जा रही है। मैं सच बताऊँ, मैं चीज़ें ये जो चल रही है बहुत ज़्यादा मेरे के मतलब एक्साइटेड हूँ,
कि अब आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज अभी भी है, ऑफिस में जिस तरीके से चीजें अच्छी जा रही हैं, क्या वो एकदम से खराब हो जाएंगी क्या, या जो जैसी चीजें चल रही वो वैसे ही चलती रहेंगी ज्यादा के लिए, क्योंकि एकदम से जो उसका नेगेटिव माहौल था वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। और वो जो मतलब चीजें हैं वो जो धीरे धीरे पॉजिटिव वे में बन रही हैं, उसको देखने में बड़ा मजा आ रहा है सच बताऊं तो। अब भाई आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।